आतिशी घोटाला मामले में कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि विजय नायर मुझे नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, जो कि बेहद चौंकाने वाला भी था। जब उन्होंने पूरे नाम लिए उसके बाद हर कोई वहां पर मौजूद चौंक गया और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मुझे विजय नायर रिपोर्ट नहीं करते थे, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। और इन दोनों का नाम जब उनके द्वारा लिया गया तो वहां पर सब खड़े चौंक गए। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि विजय नायर मुझे नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, क्या अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी बुलाया जाता है या फिर नहीं, मुश्किलें लगातार आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और अब यहां पर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भी भेजे गए हैं केजरीवाल। आगे क्या होगा, आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही मुश्किलों भरा यहां पर दिखता हुआ चला जा रहा है। और जो दो नाम आज उनकी ओर से लिए गए हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, दोनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लगातार कई मुश्किल पड़ाव में भी उन्होंने केजरीवाल का साथ दिया है, आम आदमी पार्टी का लगातार उन्होंने साथ दिया है। आगे क्या होगा, क्या इनको भी अब ईडी की ओर से समन भेजा जाएगा, इस पर भी अब सवाल है। दीपक बिष्ट इस वक्त राउज रेवेन्यू कोर्ट से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये दो नाम बेहद अहम हैं और हर मुश्किल समय में केजरीवाल के साथ खड़े रहे हैं ये दो नाम, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। लेकिन अब जब नाम ले लिया गया है उनकी ओर से, केजरीवाल की ओर से, तो क्या इनको भी समन भेजा जा सकता है, ऐसा कुछ होगा? देखिए, ये ईडी की कार्रवाई पर निर्भर करता है, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से कोर्ट में आज ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने बताया था कि जब केजरीवाल को लेकर वो जब यहाँ पर विजय नायर के बयानों को दिखा रहे थे, तो विजय नायर के बयान और उसके स्टेटमेंट को देखने के बाद केजरीवाल ने उन्हें ये बताया था कि वो सीधा केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो रिपोर्ट करता था, क्योंकि मीडिया कन्वीनेंट मीडिया को पूरा कोऑर्डिनेटर है, मीडिया को देखते थे। लेकिन अब यहाँ पर समन की जहाँ पर आपने बात की, तो ईडी को ये देखना होगा कि उस क्या वो उन्होंने अपने बचाव में इन दोनों का नाम लिया है, क्यों इनका नाम लिया, ये सबसे बड़ा पहलू है। क्योंकि क्या, क्योंकि दिल्ली शराब नीति में अब तक जितनी पूछताछ और जितनी पड़ताल हुई थी, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस पूरे मामले में सौरभ भारद्वाज और आतिशी कहीं पर दूर तक नहीं दिखती थी। लेकिन यहाँ पर आज जो सवाल यहाँ पर पूछने पर जो यहाँ पर जानकारी दी गई, तो उसके बाद से ही यहाँ पर चौंकाने वाली बात अब है। लेकिन ये देखना होगा कि ईडी को क्या लगता है, क्या ईडी को लगेगा कि अगर दिल्ली शराब नीति मामले में वो उनसे पूछताछ करना चाहेगी तब वो दे सकती है, अन्यथा कोई यहाँ पर कोई आधार यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। सर, सब कुछ निर्भर करता है ईडी पर। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन दिल्ली शराब घोटाला में कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया है और उसके बाद दिल्ली की सियासत में उबाल भी आ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जुबानी वार कर रही हैं। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई, उनको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे, और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में, कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जो मूल बात आज ईडी के सोर्सेस से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है, वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहना था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स एडीओ सीबीआई वो बेनकाब हुए। और दीपक इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर केजरीवाल से और पूछताछ करनी होती तो ईडी उनको और रोक कर रखती, उनकी कस्टडी दोबारा मांगती, तो क्या ईडी अब संतुष्ट थी जो जवाब उनकी ओर से दिए गए केजरीवाल की ओर से? देखिए, ईडी ने पहले 6 दिन की कस्टडी मांगी थी, उसके बाद 4 दिन की रिमांड पर उन्हें लिया गया था। 10 दिन की रिमांड में उन्होंने जो पूछताछ करनी थी, जो उन्हें कन्फर्म कराना था, वो सारी चीज़ें कवायद की गई, कई सारे सबूत दिखाए गए। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट में यही रखा कि केजरीवाल से जब तक सवाल किए गए, उन्होंने उन सवालों का सही जवाब नहीं दिया, लगातार पूछताछ में सहयोग नहीं करने का दावा ईडी यहाँ पर करती रही। उसके अलावा जो डिवाइस थे, यहाँ पर डिजिटल डिवाइस की बात कर रहे थे, उनके पर्सनल मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे, उनके पासवर्ड अभी तक ईडी के पास नहीं है, जिससे वो जांच को आगे बढ़ा सके। और यही वजह थी कि ईडी ने कहा कि आगे उन्हें पूछताछ का दायरा रखना है, लेकिन अभी 4 दिन की जो कस्टडी और मांग सकती थी यहाँ पर ईडी की
टीम में, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा और इसीलिए उन्हें जेल भेजने के लिए, न्यायिक हिरासत में भेजने का यहाँ पर कोर्ट की तरफ आदेश मांगा था। और यहाँ पर अब ईडी को लगेगा कि अभी और पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तो इस केस में कई ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ा जाना जरूरी है और इसी वजह से के कविता से लगातार पूछताछ की जा रही थी। और क्योंकि आपने देखा कि जब के कविता को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद से ही के कविता और विजय नायर और समीर महिंद्रू, ऐसे कई किरदार जो इस पूरे केस से जुड़े हुए थे, इन सब के बयानों को कन्फर्म कराया गया था और उसके अलावा किरदारों को कन्फर्म कराया गया था। तो अभी यहाँ पर देखना होगा कि ईडी को जब आगे लगेगा कि उन्हें और ज़रूरत है तो वो कभी भी अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर अपनी कस्टडी में लेकर फिर पूछताछ कर सकती है, जब पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा। उसके अलावा एक यही चीज़ की अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल की यहाँ पर अर्जी नहीं लगाई गई, तो वो भी देखना होगा कि उनकी तरफ से कब ये बेल के लिए मूवमेंट होती है। और वहीं तिहाड़ जेल में तैयारियां तेज हो गई हैं। तिहाड़ जेल में ही केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट अब कराया जाएगा, अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट एक डॉक्टर उनकी टीम यहां पर करेगी और केजरीवाल को जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 या फिर 5 में रखा जा सकता है। देखिए, खुद वो मुख्यमंत्री हैं और बार बार उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि वो जेल में भी रहेंगे तो वहां से भी अपनी सत्ता चलाएंगे, वहां से भी सियासत वो लगातार करते रहेंगे। तो ऐसे में अब जब उनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, उससे पहले की जो प्रोटोकॉल से जो प्रक्रिया है उनको निभाया जाएगा। सबसे पहले उनका मेडिकल यहां पर होगा, मेडिकल के बाद कहा जा रहा है कि जेल नंबर 2 या फिर सेल नंबर 5 में उनको रखा जा सकता है। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, खुद वो सिटिंग सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया होगी जब उनको तिहाड़ जेल के अंदर प्रवेश कराया जाएगा? उससे पहले मेडिकल तो होगा और जेल नंबर की जो सेल वहां पे होने वाली है, सेल मैम, सीएम साहब से आपकी बात नहीं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? तो आप ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी हो सकता है कि कुछ देर में यहाँ पर सामने आए, जो कि पत्नी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उनको सेल नंबर 2 या फिर 5 में रखा जा सकता है। फिलहाल सुनीता केजरीवाल अपने घर लौटकर वापस जा रही थी, लेकिन कुछ देर में उनकी प्रतिक्रिया जब सामने आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब जो हलचल बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी के सामने, कई सारी चुनौतियां भी वो खड़ी कर रही है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो हलचल इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर खाने मची हुई है, उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ होती हुई भी यहाँ पर जरूर नजर आएंगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अभी बताइए मैम, तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर वो दोषी नहीं है, अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं है, उनको कोर्ट ने दोषी नहीं पाया, तो आखिर जेल के अंदर क्यों भेजा गया है, इस पर सियासत हो रही है, ये उनका कहना है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है क्योंकि आज ही तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर निभाई जाएगी, उनका जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा। उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अभी बताइए मैम, क्या? तो सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। तिहाड़ जेल में अब रहेंगे अरविंद केजरीवाल और सेल नंबर 2 या फिर 5 में उनको रखा जा सकता है, और उससे पहले की जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनको गुजरना होगा, यानी कि मेडिकल उनका कराया जाएगा, मेडिकल के बाद जो जेल मैनुअल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो उनको करना होगा। लेकिन इससे इतना तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो हलचल है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक,